बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? आप सब के अल्लाह करे आप सब लोग ठीक ठाक खुश और आबाद हों, सेहत तंदरुस्ती के साथ हों और ख़ूब मज़े से हों। तो ये जी हमारा कागान से आगे निकल के सफ़र शुरू हो रहा है। माशाल्लाह इतने दिलफरेब नज़ारे हैं, इतने मज़े के नज़ारे हैं। माशाल्लाह अल्लाह की शान, इतनी खूबसूरती है, हर तरफ सब्ज़ा है और दरिया का शोर है माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह देखने में आँखों को दिल को सुकून मिल रहा है। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं और दिल बहुत खुश हो रहा है देख के। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा दिल दिमाग उधर ही था, इतना माशाल्लाह हसीन मौसम, इतने हसीन नज़ारे, तो फिर कहाँ दिल इधर आता है, दिल उधर ही अटका हुआ था। और बहुत मज़े का मौसम था। और ये दरिया के पार की तरफ छोटे छोटे कॉटेज बने हुए थे, बहुत प्यारे खूबसूरत, क्योंकि साइडों पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, सामने दरिया था और बहुत खूबसूरत जगह थी। और रास्ते में काम हो रहा था तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी। वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत खूबसूरत, लेकिन वहाँ पे चीन और पाकिस्तान का जो मुश्तरक का काम लगा हुआ है वो हो रहा था, तो फिर वहाँ पे वीडियो नहीं बना सके। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, तो पूरा सफ़र ही बहुत प्यारा है। तो अब हम नारान से आगे निकल के थोड़े से आगे आए हैं, तो यहाँ पर अब हम कुकिंग करेंगे। और यह हवा का इतना शोर है माशाल्लाह, और पानी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, आबशार का पानी सब से आगे दरिया है। तो ये दीवार सी बनी हुई थी पत्थरों की और छोटा सा चूल्हा बना हुआ था, तो फिर हम लोग भी अल्लाह खुश रखे जिसने बनाया, फिर हम लोग भी यहीं कुकिंग करने लग गए। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है कि ऊपर गर्म हो जाए, और साइडों पे इतने खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। और बर्फ़ खुली भी आ रही थी अब शादी से, आगे दरिया था, पीछे से पानी आ रहा था, और ये पानी गहरा नहीं है लेकिन ठंडा इतना था जैसे बर्फ़ होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठंडे पानी में हाथ नहीं डाल सकती, मुझे तो हाथों में वैसे बहुत पेन होती है। तो वो हमें सैलड के लिए और सालन के लिए टमाटर वगैरह धो के दे रहे हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, मेरे हस्बैंड पूरी हेल्प करवा रहे हैं। चिकन बुलावा कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया, तो आग तो अच्छे से चल रही है, नीछे कोयले बिछा दिए थे और ऊपर लकड़ियाँ छोटी छोटी जला दी थी। आग अच्छी चल रही है लेकिन हवा बहुत तेज़ है, फिर वो चिकन डाल दें और कढ़ाई में गर्म। तो आप लोग कभी अपनी कोशिश करना चाहते हैं बहुत मज़ा खा के होटल से खाना चाहें वो आप कितने पसंद, लेकिन हम लोगों ने अपनी कुकिंग के बना बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और जहाँ पे चंद गाड़ियाँ खड़ी हों तो फिर और लोग भी आना शुरू हो जाते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह खूब रश लग जाता है, और लोग सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, किसी से किसी को कोई नहीं है, सब जगह को एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो अब चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर मसाले वगैरह डालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुकिंग करने का बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि आग जलाना और फिर इतनी तेज़ हवा में मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल बंदे को भूल जाती है, इतना एंजॉय करते हैं मौसम को। और ये पहाड़ों पर बर्फ इतनी ज़्यादा माशाल्लाह, आबशारें इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघल के आ रही होती है फिर नीचे पानी आ रहा होता है, बहुत मज़ा आता है। तो अब ये अच्छा खासा फ्राई हो चुका है, क्योंकि ढाँक के फ्राई किए, क्योंकि गर्द में ये वो कुछ चीज़ नहीं चली जाए। तो ये माशाल्लाह फ्राई हो चुका हुआ है चिकन, और ये दो चिकन थे। तो अब इसके अंदर मसाला, नॉर्मल मसाले जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ, वो साथ ले लिए थे। यहाँ कुकिंग करने का इतना मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि गर्मी बिल्कुल नहीं है, बहुत ठंड है और बहुत मज़े का मौसम है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए, और मैंने साथ ही चूल्हे का टीवी डाल दिया।
और मैं खाने की वीडियो खा के खाने की नहीं दे सकी, सॉरी, क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी सबको और बस खाना जब तैयार हुआ तो सब ने खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा चलो अब क्या वीडियो देंगे, अब तो खा ही लिया और हम लोगों ने इतना इंजॉय किया खाने का, माशाल्लाह इतना मज़ा है। अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने कमरा लिया हुआ था, क्योंकि खाना हम सामान वगैरह रखे थे, आके खाना बनाया और फिर हम लोगों ने कुकिंग की। तो ये अगले दिन सुबह रात गुजारने के बाद सुबह का टाइम है तकरीबन 6:30 बजे का, तो मैं वहाँ पे छोटी सी बालकनी बनी हुई थी वहाँ नाश्ता बना रही हूँ। क्योंकि पराठे बनने में ले लें और सालन या कोई भी अंडे वगैरह आप अपने ख़ुद बनाने चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बाहर उस खिड़की में से इतने खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। तो ये लोग आगे गाड़ियां जा रही हैं लोलासर झील की तरफ, तो मैं अंडे आलू बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सिर्फ अंडे खाने का दिल नहीं था, तो फिर मैं अंडे आलू बना रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये जी हम लोगों का नाश्ता माशाल्लाह से तैयार हो गया और हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे आप लोगों का कमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। और नाश्ता इतना मज़े का बना था, चाय इतनी मज़े की बनी थी, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने नाश्ते को भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ख्याल रखें।